दुर्ग की पुराना बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध दरगाह में वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। जनता का यहां पर पैसा लग रहा है और दरगाह की एडहॉक कमेटी द्वारा मनमानी की जा रही है। दुर्ग शहर का प्रसिद्ध दरगाह बाबा हजरत अब्दुल रहमान शाकाबुरी रहमतुल्लाह अलैह, जहां हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां कौमी एकता की मिसाल पेश की जाती है, वहीं इस दरबार से जुड़े एडहॉक कमेटी द्वारा मनमानी कर तामीर कार्य में व्यर्थ ही पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सुधार करने की बात पर कमेटी के अध्यक्ष द्वारा अपनी मनमानी कर कार्य कराया जा रहा है। कमेटी के अन्य लोगों के द्वारा भी गलत हो रहे काम को नहीं करने पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और मनमानी तरीके से उतारू अध्यक्ष ने लाखों रुपए का स्ट्रक्चर गलत तरीके से तैयार कर मनमानी किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनमानी की हद इतनी पार कर बैठे हैं कि 20x20 साइज पोर्च नुमा छज्जा बनाने के नाम पर 10 कॉलम खड़ा कर बैठे हैं, जिससे तामीर का ये पैसा व्यर्थ ही बर्बाद होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, बिना नक्शे या किसी इंजीनियर की अनदेखी और ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानियों के चलते आम लोगों द्वारा दिया गया चंदा व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की अनदेखी के चलते हमेशा ही इस दरगाह में तामीर कार्य प्रभावित होता रहा है, जहां बीते कई वर्षों से चल रहा काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। यहां बैठी कमेटी आम लोगों से बाबा की आस्था के नाम पर छुटपुट काम दिखाकर चंदा वसूलने आगे है। मसले को लिख दिया, पढ़े नहीं किया? नहीं पढ़ा। अरे पूरा हल्ला हो गया। आओ, आप कभी भी मेरे को ना बुलाना, मैं आना 15-20 मिनट पहले मेरे को फोन लगाना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, कहीं भी रहूंगा। ठीक छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की अनदेखी के चलते मनमानी कर रही दरगाह प्रबंधन एडहॉक कमेटी, जो मनमानी कर व्यर्थ ही निर्माण करा रही है, इसके चलते लाखों के खर्च का आधा अधूरा काम तामीर काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है और साथ ही मजार की खूबसूरती को भी खराब किया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष मनमानी से कमेटी के अन्य लोग भी काफी परेशान है। सालाना उर्स पर कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने भी कई बार सभी कमेटी के लोगों के बीच गलत हुए निर्माण कार्य को सुधार करने की बातें कहते रहे, मगर उनकी बात को भी नजरअंदाज कर कमेटी अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुई है। इससे समाज में भी काफी आक्रोश दिखने लगा है। आपको बता दें, समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इस वक्त जो एडहॉक कमेटी तामीर कार्य को अंजाम दे रही है, उसका कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, फिर भी अपनी मनमानी कर ये कमेटी दरगाह में चंदा लेकर निर्माण कार्य कराने पर तुली हुई है। अब देखना होगा क्या छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कमेटी इस मामले में संज्ञान लेता है, क्या शासन प्रशासन इस स्थिति में समाज के उठने वाले आक्रोश से पहले मामले की जाँच कराता है। दरगाह में जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, क्या वो सही है? क्या एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष अपनी मनमानी कर सकता है? क्या वक्फ बोर्ड इस मामले में संज्ञान लेगा? क्या इस तरह के कार्य पर वक्फ बोर्ड को जानकारी मिल पाएगी? क्या इस मद से निर्माण कराया जा रहा है उसे मूल स्वरूप दिया जाएगा? देखना होगा कि इस तरह से चल रहे निर्माण कार्य पर जहाँ जनता का पैसा लग रहा है, वहाँ कुछ भी निर्माण कार्य करा पैसों का दुरुपयोग कर मनमानी कर रही एडहॉक कमेटी पर वक्फ बोर्ड फैसला लेता है या किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।